today's chapter, chapter number 8 of GC Lyon. The chapter name is Limestone and Chalk Landform. Okay, limestone and chalk landform. Limestone और chalk, ये दोनों कौन सी rock है, कोई बताएगा? बताया था हम लोग ने जब rocks कर रहे थे, जब हम लोग rocks के बारे में पढ़ रहे थे, कोई बताएगा? Sedimentary, very good यार, very good. Sedimentary rocks हैं, okay. Sedimentary rocks भी दो तीन तरह की होती हैं, बताया था आपको. एक तो केमिकली फॉर्म्ड होती हैं, ओके, और एक ऑर्गेनिकली, फिजिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म, और तीसरी ऑर्गेनिकली. तो लाइमस्टोन कौन सी वाली है? एनीवन, एनी गेसेस? केमिकली, फिजिकली और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड. बताने वाले को फुल इज्जत दी जाएगी. नॉट केमिकली, नॉट फिजिकली, अभी बच्चा ऑर्गेनिकली है. Anyways, come to the topic. I'll tell you. देखिए, limestone and chalk both are sedimentary rock of organic origin. That is, it is derived from the accumulation of corals and shells in the sea. Coral, पता है आपको? Coral reef के बारे में सुना आपने? 31 जन तक वो complete हो जाएगी. अरे यार, अभी तक, अभी तो कर लो, हो जाएगी, हो जाएगी. अच्छा, कोरल रीफ के बारे में पता है आपको? कोरल रीफ के बारे में पता है आपको? कोरल रीफ एक जानवर होता है, जब वो मर जाता है तो उसकी हड्डी जो होती है, मतलब उसकी शेप कैसी होती है, जैसे शंख देखे हैं आपने, शंख, सीपियां कभी देखे होंगे आपने समुद्र के पास, देखे होंगे, या फिर इवन के घर में देखे होंगे, यहाँ के शंख होते हैं, या मूवीज में देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है. वो जब वो जानवर मर जाता है ना, तो उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो हड्डियां होती हैं एक्चुअली, ठीक है, वो लाइमस्टोन की होती हैं. ओके, तो इसलिए वो कह रहा है कि लाइमस्टोन एंड चॉक आर सेडिमेंटरी रॉक ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, दैट इज, इट इज डिराइव फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ कोरल्स एंड शेल्स इन द सी. ओके, लाइमस्टोन में क्या होता है? लाइमस्टोन में होता है सर कैल्साइट, या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, दैट्स व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर. ओके, लाइमस्टोन इज द, लाइमस्टोन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म क्या है, वो है सर चॉक. ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे, लाइमस्टोन की प्योर फॉर्म क्या है? चॉक. और जब कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम ऐड हो जाता है, सपोज अगर केमिकल रिएक्शन अगर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या है, लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन की प्योर फॉर्म क्या है? चॉक. और अगर कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम ऐड ऑन हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है सर? डोलोमाइट. डोलोमाइट बन जाता है. आपको लाइमस्टोन दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा, दिस इज द लाइमस्टोन, ठीक है, देखा होगा आपने. इस तरह समुद्र के पास कई बार इस तरह के पत्थर पड़े होते हैं, दीज आर नोन एज लाइमस्टोन. ओके, दीज आर ऑर्गेनिकली फॉर्म, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, दीज आर लाइमस्टोन. ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. दिस इज द चॉक, ब्लैक बोर्ड पे इसी से लिखते हैं, ये लाइमस्टोन की प्योर फॉर्म है. ओके, तो इन केस आपकी सपोज जब भी क्लासेस शुरू होगी, ऑफलाइन क्लासेस, कोई टीचर कहे कि चौक कहाँ है, तो टीचर से पूछ लेना सर ये लाइमस्टोन की प्योर फॉर्म है या इम्प्योर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है. तो दिस इज द चौक, दिस इज द लाइमस्टोन प्योर फॉर्म. ओके, एक आपको दिखाते हैं डोलोमाइट. डोलोमाइट कुछ इस तरह का होता है. डोलोमाइट क्या होता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्साइट के बीच में क्या मिल जाता है, जब CaCO3 के बीच में क्या मिल जाता है, एनीवन, क्या ऐड हो जाता है? मैग्नीशियम. वेरी गुड. ओके, जब कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में मैग्नीशियम बन मिल जाता है, तो ये कुछ इस तरह से लगता है. डोलोमाइट, इसको बोलते हैं डोलोमाइट. ओके, तो आपको ये याद रखने हो गए. लाइमस्टोन और चॉक के बारे में पता चल गया. दीज आर द सेडिमेंटरी रॉक्स of organic origin that is derived from the accumulation of corals and shells in the sea. Limestone means calcite या फिर calcium carbonate. और अगर calcium carbonate में magnesium add on हो जाता है, तो वो बन जाता है dolomite. और limestone की pure form क्या है? Chalk. Okay. और the region where large stretches of limestone, जहाँ पे काफी सारे limestone ही limestone होते हैं, उस region को क्या बोलते हैं? उस region को बोलते हैं karst region. Karst. K-A-R-S-T. Karst region. Okay. Let me show you the karst region. Like this, ठीक है.
मतलब काफी ज्यादा एक्सटेंसिव शीट्स होती हैं किसकी, लाइमस्टोन की, उसको क्या बोलते हैं सर, कास्ट रीजन, एज यू सी इन दिस पिक्चर। ओके दिस इज द कास्ट रीजन, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज द कास्ट रीजन। ओके उसके बाद आगे चलते हैं सर। हाँ नाउ वी विल डिस्कस द फीचर ऑफ कास्ट रीजन, मतलब कि कास्ट रीजन में किस किस तरह के फीचर होते हैं, यानी किस किस तरह की लैंड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, किस किस तरह की आकार वाले शेप्स वाले लैंड फॉर्म्स होती हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फीचर क्या है, पहली तो है ये कलरलेस, जिसको ब्लीक बोलते हैं, ब्लीक बोले तो कलरलेस लैंडस्केप, ठीक है, कलर तो होता नहीं सफेद से रंग के, जैसे कि अभी आपको दिखाया पिक्चर में, कलरलेस, कोई कलर नहीं है। ओकेजनली ब्रोकन बाय द प्रेसिपिटियस स्लोप, ठीक है, यानी कि बरसात आती है और इसमें कुछ इस तरह से गड्ढे गड्ढे देख सकते हो आप, और इस तरह से जैसे दरारें भी आई पड़ी हैं, दीज आर नोन एज प्रेसिपिटियस स्लोप। ओके उसके बाद दूसरी चीज है एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, यानी कि पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे, यानी कि सरफेस वाटर गोन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पानी क्यों जाता है, कोई रीजन बताएगा इसमें, सेडिमेंटरी रॉक कैसी होती है, उसमें पोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, पोर्स होते हैं, वेरी गुड यार, उसमें पोर्स होते हैं, दैट्स वाई वो जो पानी होता है, पानी कहाँ चला जाता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है इसके, ठीक है ना, जैसे कि लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, ठीक है, मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर से पानी निकल जाएगा, वो उसके अंदर चला जाएगा। ओके क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज, स्पंज देखा होगा, स्पंज के ऊपर पानी डालो तो उसके ऊपर से नहीं निकलेगा, वो पानी सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज द सरफेस वाटर गोन अंडरग्राउंड एंड स्ट्रीम्स फ्लो ओवर लॉन्ग सॉरी ओवर लाइमस्टोन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस देन डिसअपियर अंडरग्राउंड। समझाया, वो कह रहे हैं जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो जैसे सपोज कोई झरना है या नदी है, सपोज कोई अगर फ्लो करती है लाइमस्टोन के ऊपर, तो वो थोड़ी देर तक ही चलती है और फिर कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाती है। द रीजन बींग इज डिसअपियर वो इसलिए हुई क्योंकि लाइमस्टोन रीजन में क्या है, पोर्स है, ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रीम्स गो अंडरग्राउंड, ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रीम्स गेट डिसअपियर, स्ट्रीम्स फ्लो ओवर लाइमस्टोन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस देन डिसअपियर अंडरग्राउंड। ओके दैट्स वाई सरफेस वैलीज आर ड्राई, ऊपर क्योंकि पानी तो रहता नहीं है, इसलिए जनरली जो कास्ट रीजन की सरफेस वैलीज होती हैं वो ड्राई रहती हैं। ओके एंड व्हेन वाटर पेनिट्रेट्स टू द बेस ऑफ लाइमस्टोन, जब पानी ऐसे पेनिट्रेट हुआ, नीचे चला गया सपोज करो, ठीक है, एंड मीट्स द नॉन पस रॉक, सपोज करो ऊपर तो है ये लाइमस्टोन वाली रॉक, ठीक है, जिसमें सपोज करो पोर्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स बना दिए, ठीक है, यहाँ पे पानी चला गया नीचे, यहाँ पे पानी चला गया, ठीक है, अब इस रॉक के नीचे सपोज करो एक नॉन पोरस रॉक है, यानी कि इसके नीचे पानी नहीं जा सकता, तो होगा क्या, कुछ समय बाद जब यहाँ तो पानी ऊपर से तो नीचे आ सकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये कौन सी रॉक है, नॉन पोरस, यानी इसके बीच में पोर्स नहीं है। ओके तो कुछ समय बाद ये जो पोर्स हैं, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा एज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग याद है मैंने बताए थे आपको, स्प्रिंग के बारे में लेक्चर भी हुआ था, हॉट स्प्रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इट सेज व्हेन वाटर पेनिट्रेट्स टू द बेस ऑफ लाइमस्टोन एंड मीट्स द नॉन पोरस रॉक देन विच लेड टू वाटर री इमर्ज ऑन टू द सर्फेस एज स्प्रिंग, और इसको क्या बोलते हैं, रिसर्जेंस भी बोलते हैं। ओके जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सो लाइमस्टोन आर बेसिकली वेल ज्वाइंटेड एंड थ्रू दीज जॉइंट्स रेन वाटर फाइंड इट्स वे इनटू द अंडरलाइंग जोन, अंडरलाइंग रॉक। ओके वो कहते हैं वेल ज्वाइंटेड होता है, इस तरह से जॉइंट्स होते हैं और पानी कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है, मतलब पहुंचने का नीचे, ठीक है, और वहां पे वो नीचे अंडरग्राउंड में फैल जाता है। ओके दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड दैट लाइमस्टोन इज अ वेल ज्वाइंटेड एंड थ्रू दीज जॉइंट्स रेन वाटर फाइंड इट्स वे इनटू द अंडरलाइंग अंडरलाइंग रॉक। ओके सिंपल सा समझ आया, कलरलेस लैंडस्केप है, सरफेस ड्रेनेज की एब्सेंस की वजह से सरफेस वाटर नीचे चला जाता है, यानी अंडरग्राउंड चला जाता है। ओके और जिस वजह से जो स्ट्रीम्स होती है वो जनरली फ्लो करती है फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, कुछ देर तक फ्लो करती है, फिर कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि वहां पे पोर्स हैं, पोर्स की वजह से पानी अंडरग्राउंड चला जाता है। और वो कहते हैं जब पानी नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है तो सपोज करो ऊपर जैसे पोर वाली रॉक है, ठीक है ना, सेडिमेंटरी रॉक है, और नीचे नॉन पोरस रॉक है,
तो कुछ समय बाद पानी यहां से रीएमर्ज होके बाहर निकल जाता है एज अ स्प्रिंग। ओके, और वो कहता है कि लाइमस्टोन जो रीजन होता है वो वेल ज्वाइंटेड होता है, यानी कि उसमें पोर्स होते हैं, ज्वाइंट्स लगे हुए हैं ना, तो जो बारिश का पानी होता है इट फाइंड इट्स वे इनटू द अंडरलाइंग रॉक। ओके, वेरी सिंपल, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, अदर फीचर्स ऑफ कास्ट रीजन, प्रोग्रेसिव वाइडनिंग बाय सॉल्यूशन। वो कहता है कि जैसे पोर्स हैं, सपोज करो ये लाइमस्टोन रीजन में, सपोज करो इस तरह से यहाँ पे पोर्स हैं, यानी कि इसके बीच में से पानी जा रहा है, ठीक है, तो कुछ समय बाद पानी इकट्ठा होगा तो ये क्रैक्स जो हैं वो बड़े होते जाएंगे, यानी ये जो क्रैक्स हैं वो बड़े होते जाएंगे, जैसे कि लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव वाइडनिंग बाय द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मींस रिएक्शन हो रही है, यानी पानी से उस पर्टिकुलर रॉक की रिएक्शन हो रही है, विच इनलार्जेस दीज क्रैक्स, जिससे ये जो क्रैक्स हैं वो बड़े हो जाएंगे इनटू ट्रेंचेस, और ये क्या बन जाएंगे, ट्रेंचेस बन जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट। लेट मी शो यू द डायग्राम। सी, जैसे मैंने बताया ना, पानी यहां गया, पानी के साथ रिएक्शन हुई, दैट इज सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मींस केमिकली रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पे ट्रेंचेस बन गए, ट्रेंचेस यानी गड्ढे बन गए, ओके, और उसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, लाइमस्टोन पेवमेंट। प्रोग्रेसिव वाइडनिंग बाय द सॉल्यूशन इनलार्जेस दीज क्रैक्स इनटू अ ट्रेंचेस, यानी गड्ढे, विच इज नोन एज लाइमस्टोन पेवमेंट। ओके, और इन लार्ज ज्वाइंट्स कुछ समय बाद और ज्यादा इन लार्ज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्राइक्स। रिमेंबर दिस वर्ड, ग्राइक्स। पहले क्या बने, लाइमस्टोन पेवमेंट, थोड़े से और इन लार्ज हुए, बने ग्राइक्स, उसके बाद वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बन गए, इस तरह के रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बन गए, मतलब कि बीच में गड्ढा होने के बाद अलग अलग ब्लॉक बन गए, उसको क्या बोलते हैं, क्लिंट्स। ओके, लेट मी शो यू, दिस इज द लाइमस्टोन पेवमेंट, आई ऑलरेडी शो यू, दिस इज द ज्वाइंट्स, दीज आर ज्वाइंट्स, ठीक है, ये समझ आ गए, ये वेल ज्वाइंटेड जो लिखा हुआ था, लाइमस्टोन पेवमेंट वेल ज्वाइंटेड होती है, इस तरह की लकीरें आती हैं। ओके, ये जो ब्लॉक्स बन गए गड्ढे होने के बाद, ये जो ब्लॉक्स बन गए इसको बोलते हैं क्लिंट्स, ये जो रॉक के रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं इसको क्या बोलते हैं, क्लिंट्स, और ये जो इनलार्ज ज्वाइंट्स हैं इसको क्या बोलेंगे, ग्राइक्स। ये वर्ड याद रखेंगे, क्लिंट्स बोलेंगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को। ओके, याद रखना, अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये दिमाग में छाप लो। ओके, दिस इज द बेडिंग प्लेन, दीज आर द ज्वाइंट्स, दिस इज द क्लिंट्स, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स, एंड दीज आर द ग्राइक्स, दैट इज इनलार्ज ज्वाइंट्स। ओके, एंड दिस इज द लाइमस्टोन पेवमेंट। ओके, ड्यू टू द सॉल्यूशन, progressive widening by the solution enlarge these cracks into the trenches which is known as limestone pavement, enlarge joints known as grikes and isolated and rectangular blocks known as clints. Okay, uske baad aata hai sir sink holes or swallow holes, these are the small depressions carved out on the surface of limestone by the rain water. Sink hole or swallow hole, ye dekhiye sir, is tarah se, इस तरह से सिंक होल, मतलब कि उसमें गड्ढा हो गया कुछ समय बाद, इस तरह का गड्ढा हो गया, ठीक है, उसमें पानी अगर सपोज इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं स्वेलो होल और सिंक होल। ओके, सिंक होल, स्वेलो होल, दीज आर द स्मॉल डिप्रेशन कार्व्ड आउट ऑन द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन बाय द रेन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, यूगोस्लाविया हैज वेरी लार्ज डिप्रेशंस नोन एज पोल्ज। ओके, यूगोस्लाविया जो कि अब कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे काफी सारे लार्ज डिप्रेशन होते थे किसी समय में, जिसको क्या बोलते थे, पोल्ज। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, आपको ये याद रखना है, लाइमस्टोन पेवमेंट, उसके बाद बनते हैं ग्राइक्स, ठीक है, ग्राइक्स की वजह से यहाँ पे आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बन जाएंगे जिसको बोलते हैं क्लिंट्स, और बरसात के पानी की वजह से बड़े बड़े होल्स बन जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, सिंक होल्स या फिर स्वेलो होल्स। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं सर, अब आते हैं सर अंडरग्राउंड फीचर, ये तो हमने फीचर पढ़ ली जो लैंड के ऊपर है, अभी हमने पढ़ने हैं अंडरग्राउंड फीचर, यानी जो लैंड के नीचे बनेंगे। ओके, जैसा कि होता क्या है, सबटेरेनियन स्ट्रीम्स डिसेंड थ्रू स्वेलो होल्स, वो कहते हैं कि जो स्ट्रीम्स आती हैं, जो नदी आती है, झरने आते हैं, सपोज करो कुछ समय बाद वो स्वेलो होल्स के नीचे चले जाते हैं, इट डिसेंड थ्रू
स्वेलो होल्स टू अंडरग्राउंड पैसेजेस, और नीचे रस्ते होते हैं, ठीक है, वो नीचे चले जाते हैं, पानी ऐसे चला जाता है नीचे, एंड दिस रीजन टर्न इनटू केव्स एंड कैवर्न्स, गुफाएं बन जाती हैं, ठीक है, केव्स एंड कैवर्न्स, केव्स गुफा, कैवर्न्स उससे थोड़ी सी बड़ी गुफा, प्लस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर अंडरग्राउंड फीचर दैट इज यूजीएफ, दैट इज स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट एंड लास्ट वन इज पिलर. सबसे पहले बनता है स्टैलेक्टाइट, देन स्टैलेगमाइट, देन पिलर. ओके, ये क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगा पिक्चर देखोगे तो. दीज आर द अंडरग्राउंड फीचर, ठीक है, ये नीचे बनते हैं. जैसे स्टेल्क, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, आपको असली वाला डायग्राम भी दिखा दूंगा, ये मैंने अपनी नोटबुक में बनाया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट पिक्चर क्लिक कर दी. इस तरह की कुछ फॉर्मेशन होती है, जैसे गुफा बनी हुई है, गुफा में इस तरह की ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह की चोंचदार एक तरह से लैंडफॉर्म बनी होती है, ठीक है. स्टैलेक्टाइट क्या है, शार्प, जैसे कि शार्प नजर आ रही है आपको, नोकीली नजर आ रही है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुकी हुई, ग्रोइंग पिनेकल्स, मतलब एक तरह से नुकीले शार्प डाउनवर्ड गोइंग पिनेकल्स हैंग फ्रॉम केव रूफ, यानी कि जो गुफा की छत है उससे नीचे लटकी हुई. ओके, देखो आपको डायग्राम क्लियर है ना, आपको डेफिनेशन अपने आप याद आएगी. कैसा दिख रहा है, शार्प दिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, ग्रोइंग पिनेकल्स नुकीले विच इज हैंग फ्रॉम द केव रूफ, जो गुफा के ऊपर हैंग हुए पड़े हैं. जैसे कि देख सकते हो पिक्चर में, आपको असली पिक्चर भी दिखा देते हैं. ये देखो सर, ऐसी गुफाएं देखी होंगी आपने, आप लोग कभी वैष्णो देवी वगैरह या इस तरह की गुफा में कभी गए हो या मूवीज में देखा हो, वो भूत वाली मूवीज देखी होंगी यार आप लोगों ने, भूत वाली मूवीज होती हैं इस तरह की, देखे होंगे आपने यार, इस तरह से लटके होते हैं, है ना, देखा भी है ऐसे, यस यस करी जा रहे हो इस तरह से, देखिए हैं. These are the crystalline calcium carbonate. Okay, just remember this thing. ठीक है, तो कल को आपको बैठे हो ना घर में, कोई भूत भूत वाली पिक्चर चल रही हो, तो इस तरह का कोई सीन आए, अंदर भूत भूत बैठा है, तो देखो ये देखो, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कहे कि ये तो भाई भूत है, भाई खींच के थप्पड़ थप्पड़ मारना, उसे बताना कि स्टैलेक्टाइट है ये, बदतमीज. और पता क्या, ये अंडरग्राउंड फीचर है, और ये कहाँ बनता है, लाइमस्टोन वाले रीजन में. लाइमस्टोन रीजन को क्या बोलते हैं, कास्ट रीजन, मतलब खींच के ना तीन चार लगा के उसको समझाना कि भाई ये चीज है, स्टैलेक्टाइट है, ये बकवास दिखा रहे हैं फिल्म वाले, वो तू भी बेवकूफ बनी जा रहा है, ठीक है. तो वो बेचारे को भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, और आपकी भी अंदर की जो तड़प है वगैरह, थप्पड़ के बिना नहीं बता सकते, थप्पड़ तो मारना है भाई, थप्पड़ नहीं मारोगे तो उसको पता कैसे चलेगा, वो सोचेगा कि भाई, उसको पता कैसे चलेगा कि आप उसकी केयर कर रहे हो, और जो केयर करता है वो थप्पड़ मारता है, ठीक है ना, क्योंकि अपने को ही थप्पड़ मारा जा सकता है, किसी आते जाते को थोड़ी मार लोगे रास्ते में, राह चलते को, किसी अनजान बंदे को थप्पड़ मार सकते हो आप, नहीं, जो जानने वाला उसी को मारते हो, क्योंकि हम उसकी केयर करते हैं, ताकि इसको आगे याद रहे, ताकि इसको याद रहे कि कल को थप्पड़ मारा था भाई ने, क्योंकि थप्पड़ पड़ेगा इसका मतलब भाई केयर करता है, ताकि भाई याद रखे सारी उम्र की ये स्टैलेक्टाइट है, ये जो मूवी वाले हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, ओके, इसलिए थप्पड़ मारना जरूरी है देवी जी. वो कह रही आप तो अपने हो, हाँ तो मैं मारूंगा तुम्हें, ठीक है ना, मेरे को तो पता है ना, वो शार्प डाउनवर्ड ग्रोइंग पिनेकल्स हैंग फ्रॉम केव रूक्स, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, शार्प डाउनवर्ड ग्रोइंग पिनेकल्स हैंग फ्रॉम केव रूक्स, वाटर कैरीज कैल्शियम, पानी में कैल्शियम होता है, क्योंकि वो जो लाइमस्टोन वाला रीजन है उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब वो रिस्क के आएगा पानी उसमें कैल्शियम होगा, दैट इज लाइम चार्ज्ड वाटर इन सॉल्यूशन, एंड व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट्स, और जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो विच लीव बिहाइंड द सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या जो जो लटका हुआ है ये क्या है, लाइम वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा उसमें क्या है, सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, दिस इज नोन एज स्टैलेक्टाइट. उसके बाद आता है सर स्टैलेगमाइट. स्टैलेगमाइट क्या होता है, अब ये लटका हुआ है जैसे, तो कुछ थोड़ी देर बाद ये मॉइस्चर से कुछ कुछ बूंदे नीचे गिरती रहती हैं, और इस तरह से नीचे भी बनना शुरू हो जाता है, पहले तो वो रूफ से लटकी हुई है, और फिर कुछ समय बाद ये नीचे भी बनना शुरू हो जाता है इस तरह से, जैसे कि देख सकते हो आप समोसे टाइप बना हुआ कुछ, ठीक है.
तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉइस्चर ड्रिप्स विच लेड टू स्टेलेक्टाइट ड्रॉप्स टू द फ्लोर, गिर जाता है फ्लोर पे, वेयर कैल्शियम इज डिपॉजिटेड टू फॉर्म स्टेलेगमाइट। कैल्शियम नीचे डिपॉजिट हो गया तो वो क्या बन गया, स्टेलेगमाइट बन गया। इट इज शॉर्टर, एज यू सी इट इज शॉर्टर, इसकी हाइट कम है। इट इज फैटर, ये थोड़ा मोटा है। एंड इट इज मोर राउंडेड, थोड़ा सा गोल भी है। ओके, दिस इज मोर राउंडेड, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा देते हैं, ये जो नीचे की तरफ है, दिस इज द शॉर्टर फैटर और राउंडेड, ये जो नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, दीज आर स्टेलेगमाइट। तो फिर से उसको थप्पड़ मारेंगे कि वो कहेगा कि ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट है, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई नीचे वाला क्या है, तो उसको फिर से नीचे थप्पड़ मारना है आपने, नीचे वाला स्टेलेगमाइट है, नीचे वाला क्या है, कैल्शियम है, ठीक है, शॉर्टर है, फैटर है, ओके, राउंडेड है, ऊपर वाला क्या है, स्टेलेक्टाइट है, सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, याद रहेगा। और ये कौन सा फीचर है, अंडरग्राउंड फीचर है, यानी नीचे बनता है, ओके, ऊपर नहीं बनता, क्योंकि गुफाओं में बनता है ना, गुफाएं नीचे होती है, देखो स्टेलेगमाइट, ये देख सकते हो सर आप, ठीक है, ये देख सकते हो सर। और आप फिर वो बाद में वो हमको पूछेगा विद थप्पड़, हाँ, इससे क्या होगा ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर आपको वो थप्पड़ मारेगा तो, इससे आपको भी याद रहेगा कि कल को मेरे को ना थप्पड़ मार के बोल दे कि मैं कल को पूछूं कि भाई ये क्या चीज है, तो फिर वो आपसे बदला लेगा, तो इसलिए याद रखना, ओके। तो कुछ समय बाद ये स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मिल जाते हैं, ठीक है। आपको याद करने का तरीका क्या है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट का, जिसमें जी है ना, जी वो ग्राउंड की तरफ बनेगा, ठीक है, और स्टेलेक्टाइट का तो याद रखेंगे कि ऊपर की तरफ जो लटका होगा, ठीक है, स्टेलेक्टाइट जिसमें जी आर जी बीच में, वो ग्राउंड पे बना होगा स्टेलेगमाइट। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ समय बाद ये ज्वाइंट हो रहे हैं, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लैंडफॉर्म है, वो क्या है, पिलर। जैसे कि लिखा हुआ है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कुछ समय बाद, द स्टेलेक्टाइट व्हिच इज द हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इवेंचुअली ज्वाइंट, इवेंचुअली मतलब कुछ समय बाद ज्वाइन करेगी, इवेंचुअली ज्वाइंट द स्टेलेगमाइट ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोर, जो कि नीचे से ग्रो अप हो रही है, विच फॉर्म द पिलर, उसको क्या बोलेंगे, पिलर। तो समझ आया, फर्स्ट स्टेलेक्टाइट, देन स्टेलेगमाइट, एंड देन पिलर, ओके। दीज आर द अंडरग्राउंड फीचर्स ऑफ द कास्ट रीजन, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने पिक्चर क्लिक की थी, काफी अच्छी पिक्चर आई, तो मुझे लगा कि यार इसी में डाल देता हूँ, बजाय के पीपीएफ पीडीएफ बनाने के, ओके, पीपीटी बनाने के। तो ये देखो, जैसे पिलर की शेप बनाई हुई है मैंने, कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे कि लिखा हुआ, ओवर अ लॉन्ग पीरियड द स्टेलेक्टाइट विच इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इवेंचुअली ज्वाइंट द स्टेलेगमाइट विच इज ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोर विच लेट टू फॉर्म द पिलर, ओके, लेट टू फॉर्म द पिलर। तो ये एक छोटा सा वो बनाया हुआ, एक निचोड़ टाइप छोटा से नोट्स, जैसे कि देख सकते हो आप, स्टेलेक्टाइट क्या है, हैंगिंग केव रूफ्स, व्हेन इट इज ड्रॉप ऑफ, ठीक है, इट लेट टू फॉर्म द स्टेलेगमाइट, ठीक है, व्हेन इट इज ड्रॉप ऑफ और डिपॉजिटेड, इट लेट टू फॉर्म द स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट क्या है, शॉर्टर है, फैटर है, राउंडेड है, और ग्रोइंग फ्रॉम फ्लोर, नीचे से ग्रो करेगा। और स्टेलेक्टाइट क्या है, हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, स्टेलेगमाइट ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोर, इवेंचुअली ज्वाइंट विच लेड टू फॉर्म पिलर। दिस इज कॉल्ड जिस्ट, ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू मेक द नोट्स, ठीक है, सिंपल सोबर इस तरह से बनाओगे तभी काम चलेगा, ओके। इसमें कोई डाउट हो अभी तक, क्योंकि आज का चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा है, दैट्स व्हाई आई टुक दिस टॉपिक ऑन संडे, कि आप लोगों को बोरियत भी नहीं लगेगी और फटाफट से हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी वे में आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है, दिस इज द वेरी शॉर्टेस्ट चैप्टर ऑफ जीसी लियों, एंड आई विल मेक श्योर कि इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ, अदर फीचर्स ऑफ कास्ट रीजन, ये मेरे नोट्स समझ आ रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं है, स्टिल आई डिक्टेट, बट ऐसा दिख रहा है आपको, समझ आ रहे हैं, बिल्कुल लिखने में थोड़ा आलस आ रहा था, तो आई टुक दैट पिक्चर फ्रॉम माई नोट्स, ओके, समझ आ रहा है, थोड़े गंदे से हैं नोट्स, बट स्टिल आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। एनीवेज, द फीचर्स ऑफ कास्ट रीजन आर, इट इज ऑफन बैरन, सबसे पहली चीज ये तो बंजर होती है, यानी कि इट इज, दिस लैंड इज नॉट फर्टाइल, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, this land is not fertile, it is often barren,
इट इज पोरस रॉक, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पोरस रॉक्स होते हैं, विच मीन्स देर इज एन एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, ठीक है, इट वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड्स, दैट्स व्हाई देर इज एन एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज विच लेड टू वेजिटेटिव ग्रोथ इज डिफिकल्ट, जिस वजह से वो कह रहा है कि वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो काफी क्या है, डिफिकल्ट है. इट मीन्स लाइमस्टोन सपोर्ट पुअर ग्रास, सो सम शीप ग्रेजिंग इज पॉसिबल. वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की घास उगती है वहां पे, ठीक है, तो कुछ हद तक शीप ग्रेजिंग पॉसिबल है. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, लिटल वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में कुछ वेजिटेशन होती है जो कि लग्जूरियंट होती है. आपसे कारण पूछ लेगा कि क्या कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में लग्जूरियंट वेजिटेशन होती है, द रीजन बीइंग इज बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. ओके, हैवी रेनफॉल की वजह से. ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकती है लाइमस्टोन रीजन में, वो कहते हैं गुड क्वालिटी लाइमस्टोन इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग्स में देखा होगा आपने बड़ी बड़ी नीचे ना, जैसे कहीं ना उसके यार एरिया होते हैं जहां दलदल वाले एरियाज होते हैं ना, वहां पे लाइमस्टोन के पत्थर डाल देते हैं, कभी नोट करना, ठीक है, जो गुड क्वालिटी लाइमस्टोन होता है. गुड क्वालिटी लाइमस्टोन इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है. ओके, याद रखेंगे. लेड विच इज अ मिनरल, इट इज फाउंड इन द लाइमस्टोन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेड अ मिनरल विच इज फाउंड इन द लाइमस्टोन रीजन. ओके, उसके बाद आता है चाक की लैंड फॉर्म्स कम होती है, ठीक है, उसका कारण क्या है, वहां पे देर इज नो सरफेस ड्रेनेज, ठीक है, बहुत ही कम होती है लैंड फॉर्म्स, उसकी बनती नहीं है खास. एक ही लैंड फॉर्म है उसकी जिसको बोलते हैं कुंबीस, COOMBES, कुंबीस. कुंबीस आर बेसिकली वैलीज विच वंस कंटेन्ड रिवर्स बट आर नाउ ड्राई, ठीक है, वो ऐसी वैलीज होती हैं जिसमें कुछ समय तक, कुछ समय पानी रहा था किसी टाइम में, लेकिन अभी वो ड्राई है, उसको क्या बोलते हैं, कुंबीस. ओके, यानी ड्राई वैली, यू कैन से कुंबीस मीन्स ड्राई वैली ऑफ चाक रीजन. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, चाक लैंडफॉर्म. चाक के क्या फीचर्स हैं, बिकॉज ऑफ फ्राइबल नेचर ऑफ रॉक्स और स्वेलो होल्स, अंडरग्राउंड केव नेटवर्क्स डू नॉट जनरली डेवलप. वो कहते हैं चाक की तो बिल्कुल ही भुरभुरा सा होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, वो कहते हैं बिकॉज ऑफ फ्राइबल नेचर ऑफ रॉक्स, क्योंकि उसमें ज्वाइंट्स बहुत ही हल्के से होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें पानी जाता है तो एकदम से वो भुर जाता है. दैट्स व्हाई इट इज मेंशन दैट इट इज देयर इज अ फ्राइबल नेचर ऑफ रॉक्स एंड स्वेलो होल्स, बिकॉज ऑफ दिस अंडरग्राउंड केव नेटवर्क्स डू नॉट जनरली डेवलप इन द चाक रीजन. लेकिन अंडरग्राउंड फीचर आपके लाइमस्टोन रीजन में होते हैं, जो कि हमने पढ़े, पहला स्टैलेक्टाइट, देन स्टैलेगमाइट, देन पिलर. ओके, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपका छोटा सा होमवर्क है. एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि हमने आज पढ़ा लाइमस्टोन एंड चॉक. लाइमस्टोन एंड चॉक बोथ आर सेडिमेंटरी रॉक, ऑर्गेनिक ओरिजन की है. ऑर्गेनिक ओरिजन मींस इट इज डिराइव फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ कोरल्स एंड शेल्स इन द सी. ओके, लाइमस्टोन मींस कैल्साइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और लाइमस्टोन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, चॉक होती है. कैल्शियम कार्बोनेट में जब मैग्नीशियम एड ऑन हो जाता है तो बन जाता है डोलोमाइट. रीजन वेयर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लाइमस्टोन, जहां पे बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लाइमस्टोन होते हैं, उस रीजन को बोलते हैं सर कास्ट रीजन. कास्ट, KAST, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड. यू कैन सी द लाइमस्टोन पिक्चर, चॉक, एंड दिस वन इज द डोलोमाइट. डोलोमाइट मींस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम. ओके, दिस इज द कास्ट रीजन, एक्सटेंसिव शीट्स ऑफ लाइमस्टोन. As you see, these are the precipitous slope. Okay, these are the this is bleak, that is colorless landscape, occasionally broken by the precipitous slope because of the absence of surface drainage of surface water gone underground, and streams flow over limestone region for a short period, then disappear underground. कुछ समय बाद वो disappear हो जाती है underground, ठीक है. So that's why surface valleys of the karst region are dry. And when water penetrates to the base of limestone region, and when it meets the non-porous rock, suppose इसके नीचे non-porous rock है, तो पानी एकदम से कुछ समय बाद बाहर आएगा, which led to the water re-emerge onto the surface as springs, or जिसको क्या बोलेंगे, resurgence. Okay,
limestone are well jointed, and through these joints, rainwater finds its way into the underlying rocks. Okay. Other features of limestone region, progressive widening by the solution. जैसे पानी पड़ेगा limestone region पे chemical reaction होगी और जिस वजह से जो cracks होंगे वो enlarge होने शुरू होंगे. Enlarge these cracks into the trenches. और वो trenches यानी गड्ढों में तब्दील होंगे, which is known as limestone pavement. As you see in this picture, this is known as limestone pavement. ठीक है, और enlarge joints हो जाएंगे, बहुत बड़े joints हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? Grikes. ठीक है, these are known as grikes. जब काफी गहराई में हो जाएंगे, और ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसको क्या बोलेंगे? क्लिंट्स. क्लिंट्स, ओके, आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक नोन एज क्लिंट्स. और सिंक होल्स और स्वेलो होल्स, दीज आर द स्मॉल डिप्रेशंस कार्व्ड आउट ऑन सरफेस ऑफ लाइमस्टोन बाय द रेन वाटर. ओके, यूगोस्लाविया में बहुत सारे बहुत बड़े लार्ज डिप्रेशन होते हैं, जिसको पोल्ज बोलते हैं. ओके, यूगोस्लाविया इज इन यूरोप. Now the next point is underground features. जैसे कि subterranean streams होती हैं जो वो descend हो जाती हैं, यानी नीचे चली जाती हैं, through the swallow holes to the underground passages, which led to the region turn into caves and caverns, बड़ी-बड़ी गुफाएं बन जाती हैं, which led to the formation of other underground features, जैसे कि stalactites, stalagmite, then the pillar, stalactite, sharp downward growing pinnacles hang from the cave roofs. Water carries calcium. That is lime charged water in solution, and when this water evaporates, it leaves behind the solidified crystalline calcium carbonate. Okay, this is the solidified crystalline calcium carbonate. Solidified crystalline calcium carbonate, stalactite. Okay, uske baad next is stalagmite. When the moisture drips, stalactites drop to the floor. Ye stalactite jo latka hua hai, ye drop ho jayega floor pe, where calcium is deposited to form the stalagmite. Shorter, fatter, more rounded. भाई साहब पहले बता रहा हूँ कि जिस लोगों की किताब देखोगे ना, इस तरह से नहीं लिखा हुआ. ठीक है, आई विल मेक दिस पीपीटी लाइक दिस कि आपको आसानी से समझ आए. आप उठा के देख लेना एक बार, इस तरह से नहीं समझ आएगा. तो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह से नोट्स बनाओ. ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट इसको देख के थोड़ा सा आपको सीख जाओ. ठीक है ना, इस तरह से नोट्स बनाओगे तभी बात बनेगी. क्योंकि आप अगर जिन्होंने बुक खरीद ली है जीसी लियोंग की, उसमें आप देख सकते हो कि काफी लेंथी वे में लिखा हुआ है. तो आई विल मेक श्योर कि जितना ज्यादा प्रिसाइज वे में, जितना ज्यादा क्रिस्प वे में बनाए जाए नोट्स, ताकि आपका फटाफट जल्दी से समझ आए. मतलब समझ आना जरूरी है ये चीज है क्या, नहीं तो स्टैलेगमाइट में झक मार लोगे ना, समझ नहीं आएगा आसानी से. ओके, दिस इज द स्टैलेगमाइट. ओके, पिलर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओवर अ लॉन्ग पीरियड स्टैलेगमाइट is hanging from the roof, eventually joined the stalagmite, which is growing from the floor, which form the pillar. Okay. So, ye dekh sakte ho. These are the features of karst region, often barren, porous rock, absence of surface drainage, that is vegetative growth is difficult, but limestone support poor grass, so some sheep grazing is possible. Human activities, jaise ki good quality limestone is used as a building material or cement industry, lead, which a mineral found in the limestone region. Okay. Chalk landforms, they have little or no surface drainage. Okay, one landform is known as Kumbis. Kumbis means dry valley. Kuch samay pehle unme pani hota tha, lekin abhi wo dry ho chuke hain. Usko bolte hain Kumbis. That is a dry valley in a chalk landform. Chalk ke other kya features hain? Friable nature of rocks, surface swallow holes, underground cave networks. That's why underground cave networks do not generally develop in the chalk region. Okay. And chalk is the purest form of limestone. अभी बताओ, कुछ ना समझ आया हो इसमें? कुछ इसमें ना समझ आया हो अभी तक? यहां तक कुछ ना समझ आया हो? Everything is clear? सो गए भाई? पक्का पक्का, एकदम पक्का. थर्ड पॉइंट अगेन, लिटिल वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रीजंस इज लग्जूरियंट. वो कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में जो वेजिटेशन है, यानी घास फूस है, वहां लग्जूरियंट होती है, यानी कि वहां उग जाती है घास. कारण क्या है? वहां पे वर्षा ज्यादा होती है. जहां पानी होगा वहां वेजिटेशन ग्रोथ ज्यादा होगी. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके ओके, एनी अदर थिंग, एनी अदर पॉइंट यू वॉन्ट टू आस्क?
यू कैन आस्क मी फ्रीली एनी डाउट एनी अदर क्वेश्चन. जीवन में कोई दुख तकलीफ किसी प्रकार की पढ़ाई को लेके. होमवर्क क्या है सर? बिल्कुल होमवर्क भी दे रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं. तो जिन बच्चों ने दिमाग लगा के अभी ये सुना होगा ना, तो वो इजीली इनके आंसर दे सकते हैं. ये क्वेश्चंस आए हुए थे भाई साहब मेंस में, ठीक है, शॉर्ट में आंसर देने हैं इसके. वो कहते हैं कास्ट, एक्सप्लेन व्हाई कास्ट रीजन हैव लिटिल सरफेस ड्रेनेज. क्या आंसर हो सकता है इसका? उसकी लिटिल सरफेस ड्रेनेज होती है कास्ट रीजन की. एक एक वर्ड में आंसर बताओ इसका जल्दी से. लिटिल सरफेस ड्रेनेज क्यों? बिकॉज लाइमस्टोन रॉक्स आर व्हाट? पोरस. वेरी गुड यार. किसने आंसर दिया? अनिकेत ने. वेरी गुड यार, वेरी गुड अनिकेत. शिवम वेरी गुड यार. सुमन बहुत बढ़िया. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. सबट्रेनियन, इसको एक्सप्लेन करना है हमने थोड़ा सा. ओके ये होमवर्क है आपका, फिर भी मैंने आपको चलो बता दिया थोड़ा सा. सबट्रेनियन स्ट्रीम्स प्रोड्यूस अ मैग्निफिसेंट अंडरग्राउंड सीनरी. वो कहते हैं जो सबट्रेनियन स्ट्रीम्स हैं, वो जो स्ट्रीम्स हैं वो मैग्निफिसेंट अंडरग्राउंड सीनरी बनाती है, जैसे वो भूत वाली गुफा दिखाई है. वो कहते हैं क्यों? एक्सप्लेन करो क्यों. तो आपने समझाना है किस तरह से बारिश आती है, किस तरह वो ढूंढती है अपना रास्ता, पोर्स में से निकलती है, इवेपोरेट हो जाता है और वो वहां पे सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. ठीक है, दैट जो सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इट इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ एंड इट फॉर्म द स्टैलेगमाइट स्टैलेक्टाइट, देन इट फॉर्म द स्टैलेगमाइट, देन फॉर्म द पिलर. ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन करना. तीसरा क्वेश्चन क्या है? लाइमस्टोन एरियाज हैव लिटिल एग्रीकल्चर. ठीक है, जहां एग्रीकल्चर कम होगा, जहां वेजिटेटिव क्रम ग्रोथ कम होगी, तो वो एरिया क्या होगा? स्पार्सली पीपल, यानी वहां लोग कम ही रहेंगे. ठीक है ना, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम है. ठीक है, तो वो कहता है एक्सप्लेन करो क्यों कि वहां पे एग्रीकल्चर कम क्यों होता है. तो कारण बताना है आपने कि वहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों कम होती है. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द पोरस रॉक देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, दैट्स व्हाई वेजिटेटिव ग्रोथ इज डिफिकल्ट. ठीक है, ध्यान से सुना होगा चैप्टर, तो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू सपोज टू कवर द चैप्टर. ठीक है, जैसे आपने चैप्टर खत्म किया उसके बाद क्वेश्चन दिए होते हैं हर चैप्टर के बाद, इवन की एनसीईआरटी में भी, इवन की स्टैंडर्ड बुक्स में भी. ठीक है, अगर आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर वहीं पे ही दे दो आप, ठीक है ना, बुक में ही मेंशन कर दो, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में ही कर दो, चाहे नोट्स बना रहे हो नोट्स में लिख दो. ठीक है, इट मीन्स कि आपको वो चैप्टर उसी टाइम समझ में आ गया. ठीक है ना, सिर्फ एक लाइन में आपको अगर आंसर दे पा रहे हो तो इट मीन्स समझ आ गया आपको. अगर नहीं दे पा रहे, आपको दोबारा से चैप्टर देखना पड़ रहा है, तो इट मीन्स नहीं समझ में आया, फिर दोबारा से पढ़ लो. ठीक है ना, बट मेक श्योर कि वो चैप्टर अच्छे से समझ आए, तभी आप उसका आंसर दे सकोगे. ये नहीं कि चैप्टर पढ़ लिया, हाँ यार मेरा हो गए, मेरे तो 10 चैप्टर खत्म हो गए. अभी पीछे ना मेरे को कॉल आया, एक बच्चे का कॉल आया, शी सेड कि सर मेरी ना ये पूरी हो गई है, क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर पूरा हो गया हिस्ट्री में. मैं कह, अरे भाई साहब आर्ट एंड कल्चर इतना लेंदी सिलेबस हो गया? कहते हैं ठीक है भाई. मैं क्या, क्लासिकल डांस कितनी तरह के होते हैं? बहन चुप, बहन बोली नहीं. मुझे लगा शायद फोन कट गया. मैं कह, दीदी, दीदी की तो आवाज ही नहीं आई. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है. फिर थोड़ी देर बाद दीदी बोली, कहती सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था. मैं कहा किताब खोलने में टाइम लग गया. मैं कहा कोई नहीं बहन, कोई नहीं, दोबारा जा, दोबारा देख और पढ़ क्लासिकल डांस कितनी तरह के होते हैं. ओके तो फिर चलो, खैर एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है, दीदी की तरह नहीं आपने करना है, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और ये आंसर्स देने हैं. इसके आंसर मेरे को व्हाट्सएप कर दे, कर ठीक है ना, इसके आंसर व्हाट्सएप कर देना. और आज का हमारा इतना सही लेक्चर था, मैंने इसलिए लिया कि संडे था, मैं फ्री था, मुझे लगा कि आधे घंटे की क्लास, एक पौने घंटे की जितनी भी थोड़ी सी देर की ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एक लिंक बना रहे. ओके, नेक्स्ट क्लास हमारी वही होगी, वेडनेसडे को होगी, थर्सडे को होगी. और हमारा ये चैप्टर नंबर 8 था. इसमें एक सेकेंड में बताता हूँ आपको कितने चैप्टर हैं. इसके दो पार्ट्स हैं, जिसके लिए उनके पार्ट 1 पार्ट 2. एक सेकेंड जो अभी थैंक यू कर रहे हो. 9, 10, 11, 12. ठीक है, चार चैप्टर और हैं हमारे, तो पार्ट 1 खत्म हो जाएगा हमारा. तो आई विल मेक श्योर दिस थिंग कि
जैन के अंदर अंदर ही, मतलब कि जैन के अंदर नहीं, सॉरी नेक्स्ट वीक में हमारा पार्ट वन खत्म हो जाए, यानी वेडनेसडे थर्सडे तक हमारा पार्ट वन खत्म हो जाएगा, नहीं तो संडे तक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो और ये होमवर्क जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, इंजॉय योर संडे। ओके, और इसी तरह पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।